हुड़केश्वर थाना अंतर्गत एक प्राइवेट ठेकेदार की बकाया रकम को लेकर हत्या का मामला सामने आया है। मृतक का नाम दुर्गेश नंदिनी नगर निवासी श्रीकांत हरिपाऊ बंजारी बताया गया है। आरोपियों ने पहले श्रीकांत का अपहरण किया और उसके लोहे की रॉड, बियर की बोतलों आदि से बुरी तरह पिटाई कर घर छोड़ दिया। इलाज के दौरान श्रीकांत ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, जिनके नाम सर्वश्री नगर दिगोरी रोड निवासी आकाश भोसले और इतवारी निवासी शैलेश केदार बताया गया है, जबकि कुछ अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। शैलेश अपराधी संतोष आंबेकर का भांजा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से श्रीकांत का काम धंधा ठीक नहीं चल रहा था। नुकसान के चलते उसे पैसों की किल्लत चल रही थी। इसके लिए उसने आकाश और शैलेश से कुछ रकम उधार ली थी। कुछ दिनों के बाद आकाश और शैलेश ने श्रीकांत पर एक्स्ट्रा ब्याज के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस बात पर उनके बीच अक्सर झगड़े शुरू होने लगे। पुलिस के अनुसार 5 मई को दोपहर करीब 3:30 बजे आकाश और शैलेश अपने कुछ अन्य साथियों के साथ श्रीकांत को जबरन उसके घर से उठाकर ले गए। कहीं ले जाकर उन्होंने श्रीकांत की बुरी तरह पिटाई कर दी, उसे लोहे की रॉड और बियर की बोतलें मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने श्रीकांत पर चाकू से भी वार किया। करीब 2 घंटे के बाद आरोपियों ने श्रीकांत को उसके घर में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिनों तक श्रीकांत ने किसी को इस बारे में नहीं बताया। हुड़केश्वर पुलिस थाने दिनांक 5/5/2019 रोजी विक्की भोसले आणि शैलेश केदार आणि त्याचे 3-4 साथीदार यांनी मिळून ज्या मयत इसम आहे श्रीकांत वंजारी त्याला त्याच्या घरात घुसून ते किडनॅप करून घेऊन गेले होते आणि अज्ञात ठिकाणी नेऊन त्याला मारहाण केली आणि पैशाची मागणी केली होती। त्याच्याकडे काहीतरी 2,85,000 रुपये मागत होते आणि त्याला त्याच्या मोठ्या भावासमक्ष आणि आईसमक्ष घरातून उचलून नेलं होतं त्यांनी आणि मारहाण केली आणि नंतर परत संध्याकाळी 7 वाजता त्याला धमकी देऊन सोडून दिलं होतं की या प्रकरणाची कुठे वाच्यता केलीस वगैरे कंप्लेंट वगैरे दिलीस। अंदरूनी चोटों के चलते श्रीकांत का दर्द बढ़ गया। ऐसे में 8 मई को उसने अपनी मां को दर्द की शिकायत की। उसकी मां ने सीने पर बाम लगाया और कुछ काम से बाहर चली गई। शाम को घर लौटने पर श्रीकांत बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ा दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत अपने बड़े बेटी को बुलाया और श्रीकांत को मेयो अस्पताल ले गए। प्राथमिक जाँच के बाद डॉक्टरों ने श्रीकांत को मृत घोषित कर दिया। इस समय पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में श्रीकांत के सीने और पीठ पर गंभीर चोटों के निशान दिखे। जांच तेज करने पर पुलिस को आकाश और शैलेश की भूमिका के बारे में पता चला। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए आकाश और शैलेश को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जांच जारी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।